सब कुछ देखने के लिए नहीं होता जी, कुछ सुनकर भी जान लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 2020 के एंड में रिलीज हुई मूवी वर्ल्ड फेमस लवर के बारे में। वैसे तो साउथ की मूवीज अच्छी होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं थी। आइए पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। एक लड़का है जो मेरी तरह राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे जॉब करने के लिए कहती है। वो उसके लिए जॉब भी कर लेता है, लेकिन राइटिंग को टाइम ना दे पाने के कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक साल का टाइम मांगता है और जॉब छोड़ देता है। पिछले एक साल से वो एक ही रूटीन लाइफ जी रहा है, सुबह लेट उठना, खाना पीना और गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करके सो जाना। उसकी इन आदतों से परेशान उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। कहते हैं जब तक आपको चोट ना लगे तब तक आपको पता नहीं चल पाता कि घाव को कैसे भरना है। बस यहीं से शुरुआत होती है उसके लिखने की। वो उसके गम में 3 कहानियां ऐसी लिख डालता है कि उन कहानियों को कंबाइन करके एक बुक छपती है जिसका नाम है वर्ल्ड फेमस लवर, और उसकी वो बुक फेमस हो जाती है। बस कहानी खत्म और क्या। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भर लीजिए, जैसे कि लड़के का एक एक्सीडेंट के कारण जेल जाना, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और फिक्स होना, उसके जेल के बाहर आने तक उसका फेमस होना और उसकी गर्लफ्रेंड का शादी ना करके उसके लिए इंतजार करना वगैरह वगैरह, एज ऑब्वियस एज शोन इन ऑल द मूवीज। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं इसको रेटिंग देने की। तो मेरी तरफ से इसको 5 में से 1 स्टार, मैं तो और ना दूंगी। है ही नहीं यार मूवी देखने वाली, टोटल टाइम वेस्टेज। वैसे भी मूवी की सबसे बड़ी कमी बताऊं तो वो दिखाते हैं कि बुक में राइटर ने 4 स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन दिखाते केवल 3 ही हैं। इस बार तो साउथ के फ्लो और एक्टिंग ने भी मुझे नहीं भाया। छोड़ो, अब और बात क्या करनी, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए इस मूवी के बारे में। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।